हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे जो मेन मूल जो होता है वो होता है टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है आपको हम पूरा बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर सीखना है तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्म्स होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में एस लिख दिया है और ऑब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में ओ लिख दिया है। ठीक है, अब वर्ब में क्या क्या आएगा? वर्ब में यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बता दूंगी कि इज कहाँ पर आएगा, एम कहाँ पर आएगा और आर कहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे अगर देख लेते हैं, आई वर्क इन मुंबई, यानी कि मैं मुंबई में काम करता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है जो भी काम वर्तमान में हुआ है, जो भी काम वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैं आई वर्क इन मुंबई, मैं मुंबई में काम करता हूँ। लास्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर बनता है तो लास्ट में ता ती ते, ठीक है, आता है तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, जैसे मैं मुंबई में काम करता हूँ, जैसे करता हूँ, ठीक है, तो ता आया है ना। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं टीचर हूँ। ओके, यू आर अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हो। सी इज अ डांसर, वह डांसर है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है और ही सी के साथ इज लगता है। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अगर यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सी ही इट, ठीक है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर फॉर्म के साथ आपका जो प्रयोग होगा वो होगा इज का। ठीक है, एंड आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। ठीक है, यू वी दे, ठीक है, एंड प्लुरल फॉर्म, प्लुरल पर्सन के साथ हमेशा आप आर का प्रयोग लगाना। ठीक है, चलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। ठीक है, तो इसके साथ आप हमेशा जैसे सी ही इट, इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा इज का प्रयोग लगेगा। ओके, एंड आई के साथ एम का प्रयोग लगेगा। ठीक है, आई थिंक शायद ये नीचे का दिख नहीं रहा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। ठीक है, जैसे यू यू वी दे एंड प्लुरल फॉर्म, प्लुरल पर्सन, इसके साथ आपको क्या लगेगा? आर का प्रयोग लगेगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्लुरल, उसके साथ आपका आर का प्रयोग लगेगा। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया है। आइए, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अफर्मेटिव आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका मैंने दो तीन एग्जांपल्स भी दिया था आपको। ठीक है, लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वर्ब में, अब वर्ब में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है आप यहाँ पे देखिए। देखिए, बट विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नंबर जो होता है वो कौन होता है? ही होता है, सी होता है, ही होता है, इट होता है, जो सिंगुलर यानी कि किसी एक इंसान के बारे में बात करें। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? सपोज़ मैं किसी एक दूसरे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम, मैं जो हो गई वो फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम इंडिकेट, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि वह बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर सपोज़ मैंने आपको बोल दिया वह एक डॉक्टर है,
ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, तो आया ना ही। तो उसी तरह जैसे अगर कोई फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है तो ही सी इट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। सी आता है लड़की के लिए, ही आता है लड़का के लिए, और इट आता है जनरल थिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात होती है, वी एड ऑन एस और ई एस, हम लोग एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखना आप, हम लोग जो एस और ई एस लगाएंगे हमेशा ही सी इट, ठीक है, इनके साथ जो वर्ब आएगा ना उस वर्ब के साथ हम लोग लगाएंगे। देखिए, इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर द वर्ब ऑलवेज एंड्स इन एस, ठीक है। अगर सिर्फ एक सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब आ रहा है, ठीक है, जब भी सिंगुलर, जैसे जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब आएगा तो जो वर्ब का जो एंड होगा ना उसमें हम लोग एस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल दे रखी हूँ, जैसे ही वांट्स, वह चाहता है, सी नीड्स, वह चाहती है, ही गिव्स, वह देता है, सी थिंक्स, वह सोचती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एस एस एस, यहाँ पे एस एस ई एस एस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, एक चीज़ आप और भी नोटिस करिएगा कि मैंने यहाँ पे बगल में कुछ लिख कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना आप, जब भी वर्ब का एंडिंग अगर वाई से हो, ठीक है, और सामने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो वाई को हम हटा कर एस आई ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एल वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे वाई को हटा कर हम लोग आई एल एफ एल आई ई एस लगा देंगे। और यहाँ पे जैसे क्राई है सी आर वाई, तो यहाँ पे वाई को हटा कर सी आर आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो यह होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्ब जैसे सब्जेक्ट एंड ओनली वर्ब आएगा सिर्फ सिंपल वे पे तो हम लोग एस लगाते हैं। और कहाँ पर आई ई एस लगाते हैं, अगर कहीं पर भी यहाँ पे आपका वाई रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ई एस लगा देते हैं वाई को हटाकर, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आई है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो, आप बोलोगे कि यहाँ पे ई एस कब लगाएं, ठीक है, कुछ फॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ पे आपको वर्ब में एस और ई एस लगाना है। हालांकि जो सिंपल वे पे आप नॉर्मल वे पे आप यहाँ पे एस नॉर्मली आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर वाई को हटा के आई ई एस लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई ई एस, ठीक है, तो एस के बारे में जान लिया, आई ई एस के बारे में जान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई ई एस कहाँ लगाते हैं, जैसे एफ एल वाई जो रहता है वाई को हटाकर हम लोग एफ एल आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, अब बात आती है कि कहाँ पर ई एस लगाएंगे, ठीक है, कहाँ पर ई एस लगाएंगे। अगर देखिए कोई भी वर्ब का जो एंडिंग है, ये तो वर्ब है ना, कोई भी वर्ब का एंडिंग अगर आपका एस एस एक्स एस एच सी एच से एंड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ई एस का प्रयोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है, जैसे ही पास, तो क्या लिखेंगे, ही पासेस, वो गुजर गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल एस है, जहाँ पर भी डबल एस डब सी एच एस एच और एक्स रहेगा तो वहाँ पे हम लोग ई एस का प्रयोग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सी कैच, ठीक है, तो सी एच है ना लास्ट में, तो इसीलिए हम उसके बाद हम लोग ई एस लगा देंगे। ये कब लगता है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ही सी ही इट, यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मैं प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लुरल फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे ही फिक्स, तो यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे हम ई एस का प्रयोग लगा दिए। यहाँ पे इट जो है पी यू एस एच, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस एच है, तो यहाँ पे भी एस एच है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ई एस का प्रयोग लगा दिया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया है। अब ये तो हो गया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, अब देखिए तीन फॉर्म आपने जान लिया है, एस ई एस एंड आई ई एस का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है।